तो एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्योतिष घर पर। आज हम बात करेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को, मदर हो या फादर, ब्रदर हो या सिस्टर, आप उनको कैसे राजी करेंगे ताकि आपकी इंटरकास्ट जो मैरिज है वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाए और आपके पेरेंट्स, आपके सगे संबंधी उससे हर्ट ना हो और आपके लिए स्नेह रखें और आपकी मैरिज में रुकावट ना करें। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में ऐसी चीज़ें बताई जाएगी आपको जो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब कंटिन्यूसली आप उसे अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन में जो हर्डल्स हैं वो दूर हो जाएंगी और इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कई बार वेबसाइट्स पे ढूंढते हैं, गूगल पे ढूंढते हैं, याहू पे ढूंढते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, कई सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिस पे लिखा होता है कि अपने प्यार को पाने के लिए वशीकरण हेतु हमसे संपर्क करें और उसके बाद जब आप वहां जाते हैं वो आपके दिल और दिमाग में ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे मानने के लिए आप विवश हो जाते हैं और 5,000 से लेकर 8,000 तक का आपको नुकसान हो जाता है। तो ऐसी चीजों में आप पढ़े ना, जो चीजें आपको वहां पे बताकर भ्रमित की जाती हैं उनमें अपने आप को उलझाए ना। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल पर प्रेस कर लें, ऐप को डाउनलोड कर लें ज्योतिष घर। आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज पूरी वहां मिलेंगी, हेल्थ टिप टिप्स भी आप डाउनलोड करें अपनी हेल्थ सुझावों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप जातक हैं, अर्थात अगर आप एक बॉय हैं, एक लड़के हैं और आप कि जो लव मैरिज है आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको जो आगे मैं उपाय बता रहा हूं वो शुक्ल पक्ष अर्थात हर महीने की 14 तारीख के बाद, 12 तारीख के बाद शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष का ध्यान रखना है आपको। आपको एक दिया लेना है, दिया एकदम स्वच्छ होना चाहिए, पुराना दिया नहीं होना चाहिए। एक आपको दिया लेना है, वो भी मिट्टी का दिया होना चाहिए, आर्टिफिशियल दिया नहीं होना चाहिए। आपको मिट्टी का दिया लेना है और अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसकी फोटो लेनी ही आपको, आपको गर्लफ्रेंड की फोटो और दिया लेनी है। और उल्टा अगर आप गर्लफ्रेंड हैं तो आपको अपनी बॉयफ्रेंड की ये चीजें लेनी है अगर आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। अब क्या करना है आपको, पूर्व दिशा की ओर फोटो रखनी है चाहे लड़का हो या लड़की, और दिया आपको वहां पे रखना है और उसे जलाना है। दिया जलाने के बाद आपको एक सफेद कपड़े पे बैठना है और आपको प्रोसीजर करना है, एक चीज करनी है, एक मंत्र का जाप करना है, वो ये है। आपको करना है ओम हन गन जू, ओम हन गन जू। उसके बाद आपको अपने बिलव्ड वन का नाम लेना है। अगर आप लड़के हैं तो लड़की जो आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आप लड़कियां हैं तो लड़का जो आपका बॉयफ्रेंड है उसका नाम लीजिए और वश्य वश्य स्वाहा इसका जाप करना है। क्या करना है, ओम हन गन जू नाम वश्य वश्य स्वाहा इसका नाम करना है। ये आपको 1,25,000 टाइम तक ये रिपीट करना है। एक दिन में नहीं करना है, 108 बार आप एक दिन में करें, 108 बार एक दिन में करें और इसे करते जाएं प्रतिदिन प्रतिदिन। अगर लड़की हैं तो अगर आपका टाइम उन दिनों में आप इसको अवॉइड करें, उन दिनों में आपको नहीं करना है, लड़के इसे लगातार कर सकते हैं। और इसे करते हुए आपको दिल में यह भावना रखनी है कि मुझे विवाह करना है, मेरी विवाह को कन्वर्ट करें अरेंज मैरिज में और मेरे पेरेंट्स इस चीज के लिए बाधित ना हो और मुझे बाधित ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं, यह प्रोसीजर आप अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स की जो ना थी वो यस में कन्वर्ट होगी। लेकिन साथ में आपको प्रयत्न भी करते रहना है। मंत्र का जाप तो आप कर रहे हैं, आपके पिता और माता को समझाना भी है इसके बारे में और साथ में जाप करना है। तो होगा क्या, जो आपकी पेरेंट्स इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट थे वो उसके लिए मान जाएंगे और कोई भी ये कोई जादू टोना बिल्कुल नहीं है और वशीकरण मंत्र ये बिल्कुल नहीं है। ये एक ध्यान कर रहे हैं आप, एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं जिससे घर में आपके एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और आपके पेरेंट्स आपको मान जाएंगे और आपका विवाह अवश्य कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा हो और कोई समस्या का समाधान लेना है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें।
हमें जैसे ही टाइम मिलेगा आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे। कई बार 25-25 दिन हो जाते हैं, 20-20 दिन हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन जब हम बैठते हैं तो सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे पास सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं, उनको हम कोशिश करते हैं किसी का भी खाली ना जाए, सबको जवाब उसका दिया जाए। तो प्यार मोहब्बत बड़प्पन हमारे लिए रखिए, हम आपके लिए आदर सत्कार रख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे देखिए आपका भला होगा, तो बहुत सारे लोग हैं जो मझधार में फंसे हुए हैं, उन सबका भी भला होना चाहिए। धन्यवाद।